हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12th, जिसका नाम है परमाणु, दैट इज एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 15th, यानी 15वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे बोहर मॉडल की सीमाओं के बारे में, दैट इज हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे लिमिटेशंस। ऑफ बोहर्स मॉडल या बोहर्स थ्योरी। ओके बच्चों, लिमिटेशंस यानी बोहर मॉडल कहाँ कहाँ असफल रहा, किन किन बातों की व्याख्या नहीं कर सका, उनकी चर्चा करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि बोहर मॉडल में जो कमियाँ रह गई थी उनकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो शॉर्ट कमिंग्स कह लें, लिमिटेशंस कह लें, या डिफ़िकल्टीज़ कह लें कि डिफ़िकल्टीज ऑफ बोहर्स थ्योरी या बोहर्स मॉडल, या शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर्स थ्योरी या बोहर्स मॉडल, कुछ भी कह सकते हैं। सेंस समझें कि बोहर कहाँ कहाँ फेल हो गए, बोहर की जो थ्योरी थी वो कहाँ कहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाई कुछ बातों को। वैसे बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल था। देखिए रदरफोर्ड मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, लेकिन बोहर ने उसमें सुधार करके परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, या कहना चाहिए जो एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये कर सका। तो परमाणु के बारे में रदरफोर्ड के मॉडल से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और उससे भी ज़्यादा हमें सीखने को मिला बोहर्स मॉडल से, जो एटम की जो तस्वीर इन्होंने प्रस्तुत की। तो कहना चाहिए बच्चों बोहर मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआत में एटम के बारे में सीख रहे हैं, उनको पहले बोहर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। आधारशिला बच्चों किसने रखी, रदरफोर्ड ने। परमाणु को समझने की जो आधारशिला थी वो रदरफोर्ड ने रखी, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया। फिर इस मॉडल में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों, समरफील्ड ने उनको दूर करने का प्रयास किया है। तो कोई भी मॉडल उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पूर्ण नहीं था। बोहर्स मॉडल में भी कमियां हैं जिसको दूर किया गया समरफील्ड मॉडल में। समरफील्ड मॉडल में भी कुछ कमियां आईं, उनको दूर किया गया जो आज क्वांटम फिजिक्स जो चल रही है बच्चों। आजकल किसका दौर चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बेस पर वेक्टर एटॉमिक मॉडल दिया गया है। ये आज का सबसे नवीनतम मॉडल है जिससे हम परमाणु से रिलेटेड फिनोमेनास को बहुत आसानी से कहें या कठिनाई से कहें, मतलब हम समझ लेते हैं। वेक्टर एटॉमिक मॉडल ये सबसे आधुनिक है। बहुत सारे मॉडल हैं परमाणु के बारे में, हम पीछे बता चुके हैं कि सबसे पहले मतलब डाल्टन ने भी अपना परमाणु मॉडल दिया था, थॉमसन ने भी दिया था, रदरफोर्ड ने भी दिया था। तो एक एक करके साइंटिस्ट लगे रहे परमाणु को समझने के लिए। चलिए खैर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम पहुँचते हैं उस टॉपिक पर बच्चों। तो वेलकम इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बोहर मॉडल में क्या क्या दिक्कतें रह गई। तो बच्चों सबसे पहली बात बताएं, अब क्रम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे दिमाग में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आती जाएंगी, मैं आपको समझाता जाऊंगा बच्चों। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि बोहर ने अपने मॉडल में ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे ये नाभिक है, प्लस चार्ज होता है, परमाणु का समस्त धनावेश यहीं होता है बच्चों। कहाँ पर होता है, सेंटर पर, परमाणु के सेंटर पर, जिसे हम बहुत सूक्ष्म स्थान में जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो बच्चों वहाँ बोहर के मॉडल में इस कक्षा में चक्कर लगाने का तो जिक्र किया गया,
कि कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण। इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, करता है, यानी क्या करता है? ऑर्बिटल मोशन। परिक्रमण को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिट में जो घूम रहा है, ऑर्बिटल मोशन। लेकिन बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में, तो देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन संग के संग अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं, और कक्षा में चक्कर लगाने से आप वर्ष बदल लेते हैं। तो ऑर्बिटल मोशन के बारे में बात की, लेकिन जो चक्रण है उसकी बात नहीं की, यानी चक्रण की बात नहीं की इस मॉडल में, तो अधूरी बात रही। चक्रण की बात नहीं हुई, यानी स्पिन की बात नहीं हुई। आप क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा पॉपुलर गेम है इंडिया का, आप स्पिन को जानते हैं। बॉल को एक तो फेंका जाता है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, और एक उसको घुमा दिया जाता है जिससे वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। बैट्समैन को लगता है कि इस लाइन में आ रही होगी, लेकिन वो डेविएट हो जाती है, अपना मार्ग बदल देती है, और वो चकमा खा जाता है बैट्समैन। तो वही स्पिन है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमा, ये हो गया परिक्रमण। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है और अपनी धुरी पर भी घूमता जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो वो चक्रण है। तो इस गति का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया। और एक बात और बता दें बच्चों, ये जो ऑर्बिट्स हैं वो वृत्ताकार न होके, समरफील्ड ने उनको दीर्घ वृत्ताकार माना था। ये कक्षाएँ वृत्ती न होकर कैसी होती हैं? दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं बच्चों ऑर्बिट्स, यानी इलिप्टिकल, समझ रहे हैं? इलिप्टिकल, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। इलिप्टिकल शेप में, यानी ऐसे ना होके, यानी परिक्रमण जैसे पृथ्वी और सूर्य का खेल है वैसे ही। इसे नाभिक प्लस, नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, स्पिन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है, इस तरीके की शेप होती हैं। तो ये इस मॉडल में कमी थी। एक बात और बच्चों, दूसरा पॉइंट, अब आप कहेंगे कि सर आप लिख नहीं रहे, हम नोट्स कैसे बनाएंगे? बच्चों मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस लिमिटेशंस का, जो बोहर्स थ्योरी है उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उनका आप स्क्रीन वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो अभी समझ लें, यहाँ समझना जरूरी है। मैं लिखूँगा तो बच्चों पता लगा कि वीडियो 3 घंटे का बनना है। हाँ, बुलाएंगे, अभी पढ़ाने दो, ठीक है, अभी तुम वहीं जाओ। हाँ चलिए, दूसरी बात ये कि बच्चों इन्होंने अपने मॉडल में दो थियोरी का इस्तेमाल किया, ये बात समझ में नहीं आई, जो कि बिल्कुल अपोजिट थी, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट लिए, क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी, और क्वांटम फिजिक्स का भी सहारा लिया, जो कि मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों। इस समय क्वांटम क्वांटम क्वांटा की बात होती है बच्चों। क्लासिकल फिजिक्स से उन्होंने क्या माना कि जो बल का कॉन्सेप्ट था, अबकेंद्र बल वाला कॉन्सेप्ट, कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसको आवश्यक अबकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले कूलंबिक बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना, वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्लासिकल फिजिक्स से, यानी जो फोर्स का कॉन्सेप्ट था, जो बल लगने की बात थी, वो क्लासिकल फिजिक्स से। और इलेक्ट्रॉन
एक ऊर्जा स्तर से या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वहाँ उन्होंने क्वांटम फिजिक्स लगा दी, क्वांटा के रूप में, फोटोन्स के रूप में एनर्जी को अवशोषित करेगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे आएगा तो उस फोटोन का उत्सर्जन करेगा जितना डिफरेंस है इन एनर्जी लेवल्स में। तो यहाँ क्वांटम फिजिक्स लगा दी, तो दोनों फिजिक्स लगा के चल रहे हैं, बात थोड़ी अटपटी सी लग रही थी बच्चों, समझ में नहीं आ रही थी, क्लासिकल फिजिक्स भी लगा रहे हो और क्वांटम फिजिक्स भी लगा रहे हो, बात समझ रहे हैं बच्चों? मुझे एक मिस्टेक दिखाई दे रही है, जल्दी से पकड़िए। हाँ तो बच्चों गलती मिल गई, मैं जल्दी जल्दी में क्लासिकल की स्पेलिंग गलत लग गया बच्चों, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ डबल एस आता है बच्चों, अब यहाँ बन नहीं पाएगा, अब लिख दिया मैंने सी एल ए डबल एस, जैसे क्लास में डबल एस होता है, यहाँ लिख दूँ साफ साफ, क्लासिकल लॉज का इस्तेमाल किया, एक ऐसे ऐसा बना दी, चलो ऐसे बना लो, क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ किए और एक तरफ क्वांटम फिजिक्स का भी इस्तेमाल किया। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, थर्ड जो लिमिटेशन है उस पर देखिए, ये जो बोहर्स थ्योरी है बच्चों, जो बोहर्स मॉडल है, वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही सत्य है। जैसे मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आयन हो या परमाणु हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तभी ये थ्योरी उसकी कुछ व्याख्या कर पाती थी परमाणु को समझने की। जैसे हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लें 1H1, 1H2, इन सब में क्या है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन है 1H3। या हीलियम अगर लेते हैं तो हीलियम हमें लेनी पड़ेगी, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो एक धनावेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। या लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक रह गया। इस टाइप के आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, या परमाणुओं जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसी टाइप के परमाणुओं को ही एक्सप्लेन कर पा रही थी बच्चों। एक से ज़्यादा परमाणुओं के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए, परमाणुओं या आयनों, परमाणुओं कह लें या आयनों कह लें, के लिए यह मॉडल या सिद्धांत सत्य नहीं है या सही नहीं है। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, उन परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर पाता बच्चों, समझ रहे हैं बच्चों? यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु में है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, उन परमाणुओं का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, उसकी व्याख्या इस मॉडल से नहीं की जा सकती। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, एक शॉर्टकमिंग है, एक कठिनाई है, एक कमी है। आगे चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर। देखें बच्चों, जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें, अब मान लो जैसे हमें कोई एक लाइन, जैसे ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं, मान लो ये कोई एक ऊर्जा स्तर है, ये कोई ऊर्जा स्तर है, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ये संक्रमण, इससे जो स्पेक्ट्रम रेखाएं मिलेंगी और भी मिलेंगी, ऊपर से और आएगा, तो स्पेक्ट्रम की जो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं वो अलग अलग तीव्रता की होती हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता कि इसकी तीव्रता अधिक है किसी भी रेखा की, इसका मतलब वो संक्रमण ज़्यादा हो रहे हैं, तो संक्रमण, कुछ संक्रमण ज़्यादा हो रहे हैं तभी तीव्रता ज़्यादा होगी,
कुछ संक्रमण कम हो रहे होंगे तो उस रेखा की जो चमक होगी, जो तीव्रता होगी, वो कम होगी। तो भिन्न भिन्न रेखाओं की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसकी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाया। यानी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं के संदर्भ में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता, ऐसे कह सकते हैं। नो एक्सप्लेनेशन, कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो असमर्थ है तो बात ही नहीं करेंगे। कोई सवाल हमसे नहीं आ रहा है बच्चों, तो हम उस सवाल को छेड़ेंगे ही नहीं, आपको वो सवाल पढ़ाने थोड़ी बैठे आएंगे। ठीक उसी तरीके से तीव्रताओं की वो व्याख्या ही नहीं कर सकता ये मॉडल, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं के संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं कर सका। कौन? बोहर्स मॉडल, यानी भिन्न भिन्न रेखाओं की भिन्न भिन्न तीव्रताएं, अलग अलग रेखाएं अलग अलग तीव्रताओं की होंगी। बच्चों तो बात समझ गए, जब अलग अलग रेखाएं अलग अलग तीव्रताओं की हैं तो इससे एक बात और पता लग रही है, यानी कुछ संक्रमण ज्यादा हो रहे होंगे, उसी रेखा की तरंग उसी रेखा की तीव्रता तो ज़्यादा होगी, तो कौन से संक्रमण ज़्यादा होंगे, कौन से कम, किसके संक्रमण की दर क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है कि कौन सा संक्रमण संभव है कौन सा संभव नहीं है, इनकी चर्चा नहीं हो पाई एक तरीके से। यानी संक्रमणों के वर्ण नियमों, वर्ण कहते हैं सिलेक्शन रूल की कोई जानकारी नहीं देता, कोई जानकारी प्रदान नहीं करता। बच्चों हम जो जो लिमिटेशंस हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्रम कुछ भी हो सकता है, जो जो मुझे ध्यान आती जा रही है एक तरफ से हम बताते चल रहे हैं। अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर बच्चों, एक बात और कि कौन सा ट्रांजेक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, इसकी कोई बात नहीं। भिन्न भिन्न रेखाओं की तीव्रता भिन्न भिन्न है, इसकी इस मॉडल में कोई बात नहीं, ठीक है ना। और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की कोई व्याख्या नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में तो पूर्ण रूप से सफल रहा बच्चों, लेकिन फिजिक्स ऐसे नहीं चलती है भाई। एक के लिए तुमने नियम बना दिए, फिर वो नियम दूसरे परमाणु पर भी तो लागू हो, वो नहीं हो पा रहा। बात समझ रहे? इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, तीव्रता की बात होगी बच्चों। होता क्या है कि उस समय उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर नहीं थे बच्चों, तो जब इन रेखाओं को, जैसे हमें ये एक रेखा दिखाई दे रही है, मतलब एक अभी तो ये एक संक्रमण दिखाया है, तो इस मतलब स्पेक्ट्रम जो मिलेगा कि एक लाइन ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, ऐसा संक्रमण, वो ऐसा, ये तो संक्रमण है, ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ये क्या है स्पेक्ट्रम। तो जो हमें एक रेखा दिखाई दे रही है, जब उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर बन गए बच्चों, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तब जब इन रेखाओं को देखा गया बच्चों, तो एक रेखा कई रेखाओं से मिलकर बनी थी, जैसे यही रेखा एक न होकर बहुत धूमिल रेखाओं से बनी थी, बहुत पास पास थी, यानी एक रेखा भी, यानी केवल मैंने इसी रेखा को ये बनाया है बच्चों, 3, 4, 5 कई रेखाओं से मिलकर बनी होगी, कितनी भी हो सकती हैं भिन्न भिन्न रेखाएँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी एक रेखा, यानी जब हमने विभेदन बहुत बढ़ा लिया, विभेदन की सीमा बहुत बढ़ गई, तो हमें वो एक रेखा फिर दिख रही थी बहुत सारी रेखाओं में, तो ये कैसे हुआ? इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर, इस रेखा की फाइन स्ट्रक्चर कहलाती है ये। क्या कहलाती है? फाइन, किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा
को जब हम उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो वो बहुत सारी धूमिल रेखाओं से मिलकर बनी होती है, तो उस संरचना को हम सूक्ष्म संरचना कहते हैं, यानी फाइन स्ट्रक्चर, STRUCTURE, फाइन स्ट्रक्चर यानी उस रेखा की सूक्ष्म संरचना। भाई ये कैसे हो गया, एक रेखा बहुत सारी रेखाओं से मिलके कैसे बनी है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसकी कोई व्याख्या नहीं, नो एक्सप्लेनेशन, कोई जवाब नहीं था बोहर के पास। असफल रहे बोहर कि एक रेखा इतनी रेखाओं से मिलके कैसे बन गई। बच्चों बाद में जब हमने जो ऑर्बिट्स मानी थी वो एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट से भी मिलके बनी थी, आगे पढ़ेंगे इस फाइन स्ट्रक्चर को जब हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, अभी इंटर में हैं तो इंटर लेवल की ही बातें करते हैं। बच्चों जो हमने एक ऊर्जा स्तर बनाया है, मान लो ये एक ऊर्जा स्तर हमने बनाया है, एक ये बनाया है, ये एक ये बनाया है, ये ऊर्जा स्तर भी फिर सब ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं उप ऊर्जा स्तरों से, तो उनके अंदर भी संक्रमण होते हैं, तो एक रेखा कई रेखाओं से मिलके बनी होती है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, ये बात कब समझ में आएगी जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे। तो चलिए खैर इसकी फाइन स्ट्रक्चर की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं हो सकी बच्चों, अब आगे अगली शॉर्ट कमिंग्स पर चलेंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए। हाँ बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए बच्चों जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन, कोई भी स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रल लाइन, जब परमाणु को बच्चों जब परमाणु पर हम अगर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, क्या लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए किसी परमाणु पर, एटम पर, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, समझ जाएंगे आप, स्पेक्ट्रल लाइन वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है कई रेखाओं में, ठीक है, अपने अभी अभी रेखाओं में, यानी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू लाइंस, कर लें स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, एक रेखा कोई स्पेक्ट्रम में, जैसे ये स्पेक्ट्रम, जैसे एक रेखा ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो स्पेक्ट्रम में यानी अगर परमाणु पर हम एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, तो एक रेखा कई रेखाओं में टूट जाती है, और इसी घटना को, इस प्रभाव को बच्चों हम कहते हैं जीमन इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है, इस इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों 1886 में इस घटना की इन्होंने खोज की थी। ये इफेक्ट इन्होंने कब देखा था, सन 1886 में, और जीमन को नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों। तो जीमन इफेक्ट क्या है कि अगर हम परमाणु पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो एक रेखा कई रेखाओं में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोहर्स मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों, इस बात को, किसको, जीमन इफेक्ट को, या ऐसा ही हम जीमन इफेक्ट कह लें या कह दें पाश्चन बैक इफेक्ट, इसमें भी ऐसा ही है, पाश्चन बैक इफेक्ट, ये इफेक्ट भी ऐसा ही है, इन्होंने भी देखा है इस इफेक्ट को, इसी से मिलता जुलता है चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा का अपनी अभी अभी रेखाओं में टूट जाना। बच्चों बात समझ रहे हैं, ऐसा वैद्युत क्षेत्र लगाने पर भी होता है, वैद्युत क्षेत्र लगा दें यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी रेखाएं स्प्लिट हो जाती हैं, ऊर्जा स्तर स्प्लिट हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स स्प्लिट। ये इफेक्ट बच्चों ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ इनकी,
आप संक्षेप में एक लाइन लिखेंगे, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, क्योंकि आप ये इफेक्ट हायर एजुकेशन में जब आप आगे बीएससी एमएससी करेंगे तब पढ़ेंगे इन चीज़ों को। यानी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं बच्चों। स्प्लिट, स्प्लिट यानी टूट जाना, बहुत सारे मतलब कई ऊर्जा स्तरों में टूट जाएंगे, तो स्पेक्ट्रमी लाइन्स भी टूट जाएंगी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र लगाने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूट जाना, जिनको हम जीवन इफेक्ट, पास्टन बैक इफेक्ट, और इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क ये भी साइंटिस्ट का नाम है, पाश्चन भी साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, ये स्टार्क इफेक्ट हुआ। इनकी, इन तीनों इफेक्टों की व्याख्या नहीं कर पाया, नो एक्सप्लेनेशन, नहीं व्याख्या हो पाई बाई बोहर्स मॉडल। इसकी व्याख्या भी बोहर के मॉडल से नहीं हो पाई, किसकी, जीवन इफेक्ट की, पाश्चन बैक इफेक्ट की, और बच्चों स्टार्क इफेक्ट की। बात समझ रहे हैं, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अभी जो हमने सेवेंथ पॉइंट पढ़ा वो मैं ये अब बताना चाहूँगा कि आप उसको कैसे लिखेंगे। मैंने जल्दी जल्दी ऐसे आपको समझा दिया, आप संक्षेप में लिखेंगे। आपको अभी जीवन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, पाश्चन बैक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता बच्चों नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि बोहर मॉडल चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय किसी परमाणु पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से स्पेक्ट्रमी रेखाओं के टूटने की घटना, जिसको हम जीवन इफेक्ट और पाश्चन बैक इफेक्ट कहते हैं, उन इफेक्ट्स की व्याख्या करने में असफल रहा। और वैद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा स्तरों का टूटना या स्पेक्ट्रमी रेखा का टूटना, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, उसकी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर सका। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। इस बोहर मॉडल के द्वारा ये डिसाइड नहीं हो पाया, ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई थियरी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आया जिससे ये डिसाइड हो सके कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण इससे संभव नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षाओं में वितरण, संक्षेप में लिखते हैं, विभिन्न कक्षाओं में वितरण कैसे होगा, कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हाइड्रोजन सबसे सरलतम परमाणु है और बोहर ने हाइड्रोजन को बेस बना करके अपना मॉडल दिया। जब एक है तो पहली में होगा ही बच्चों, जैसे नाभिक एक इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में ही होगा एन बराबर वन में। एक से ज़्यादा है तब कौन सी में कितने होंगे, ये कैसे डिसाइड हो, इस बारे में यानी इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में यहाँ से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि पहली कक्षा में कितने, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने, पांचवी में कितने, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें, कोई जानकारी नहीं मिली। और वैसे आप केमिस्ट्री, अब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं बच्चों, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपने केमिस्ट्री में ये सब पढ़ा होगा, आपने एक अष्टक नियम पढ़ा होगा जिसमें हम 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं एक से अधिक होने पर। तो जैसे पहली कक्षा में कितने हो सकते हैं, n बराबर एक रखें तो दो, दूसरी में कितने हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में दो का वर्ग चार, चार दूनी आठ, आठ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तीसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, तीन त्रिका नौ दूनी अठारह हो सकते हैं। चौथी कक्षा में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम चौथी कक्षा में कितने हो सकते हैं, चार रखेंगे, चार का वर्ग सोलह दूनी बत्तीस हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, केमिस्ट्री में आपने अपवाद भी पढ़े हैं। जैसे किसी में तीन है तो पहली में तो पहले दो हो ही आएंगे, फिर दूसरी में, अब तीन ही है तो आठ तक हो सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, पहली में दो, दूसरी में एक, ये कब, जब तीन इलेक्ट्रॉन थे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन थी तो वितरण ऐसे होगा, पहली कक्षा में इतने, दूसरी में इतने। अब मान लीजिए 11 हैं
इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो वितरण कैसे होगा? पहली में 2, दूसरी में 8 मैक्सिमम हो सकते हैं, अब बचा 1। यहाँ 9 नहीं हो सकते, 2, 8, अब बचे कितने? 1, तो 1 हो गया तीसरी में। आपने इस तरीके से केमिस्ट्री में सब पढ़ा है। तो ये जानकारी इस मॉडल में नहीं थी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी जानकारी बोहर मॉडल कोई जानकारी नहीं दे रहा था इस बारे में, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में। तो बच्चों बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है ना। तो इतना पर्याप्त है। आप भी कह रहे होंगे कि सर आपने हद कर दी, इतने दिन से इस चैप्टर को चला रहे हैं, ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। तो बच्चों खुश हो जाइए, हम एक काम करते हैं, इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। लेकिन अभी एक लेक्चर आपको और देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों जो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल थी वो आपकी समझ में आ गई होंगी। मैं इसका एक PDF नोट्स बना करके आपको भेज दूंगा, एक दो दिन में भेज दूंगा। बच्चों पहले वीडियो देख लेना, फिर 2-3 दिन बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा PDF नोट्स। तो बहुत सारी बातें यहाँ आपको देखने को मिली कि बोहर मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल था बच्चों परमाणु को समझने में, लेकिन फिर भी उसमें कमियाँ थीं। और मैंने ये बताया भी था कि इस मॉडल को सुधारने का काम किसने किया, समरफील्ड ने किया, लेकिन उसमें भी कुछ कमियाँ रह गई, ठीक है ना। फिर क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो आजकल चल रहा है, उसे आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे बच्चों, तो अभी ज़्यादा चर्चा नहीं। तो बच्चों मिलते हैं कल। कल आप बॉल पेन, कॉपी और NCERT की बुक लेकर के आइएगा। मैं एक तरफ से न्यूमेरिकल कराऊंगा और इस चैप्टर के सारे सूत्र, सारे फॉर्मूले याद करके आना बच्चों, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। पूरा चैप्टर एक उसका कॉन्सेप्ट एक तरफ से रिवाइज करके आएंगे। तो मिलते हैं कल न्यूमेरिकल्स के साथ, और उन न्यूमेरिकल्स के साथ ही इस चैप्टर को बच्चों कर देंगे बाय बाय। और हम आपसे करते हैं अब बाय बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।